हाय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो भले ही बॉलीवुड में अपनी जगह ना बना पाए हों, लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने हमेशा राज किया है। और 2018 में उन्होंने एक मशहूर टीवी अभिनेत्री रूबीना दिले के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, हम बात कर रहे हैं वेरी सेंसिबल पर्सन अभिनव शुक्ला की। अभिनव और रूबीना टीवी इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय शो बिग बॉस में एंट्री ले चुके हैं। इस शो में अभिनव काफी अच्छा खेल रहे हैं, साथ ही उनकी बॉन्डिंग उनकी पत्नी के साथ भी काफी अच्छी दिख रही है और उनकी जोड़ी लोगों को भी काफी पसंद आ रही है। वहीं कई टीवी एक्ट्रेस भी अभिनव शुक्ला की पर्सनैलिटी की फैन हो गई हैं और हमेशा उनकी तारीफ करती नजर आती हैं। वहीं पंजाबी सिंगर मॉडल और एक्टर सारा गुरपाल, जो कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, वे भी हमेशा ट्विटर के जरिए अभिनव की सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। दुनिया इन दोनों की क्यूट जोड़ी की फैन हो चुकी है। आपको बता दें कि अभिनव बेसिकली लुधियाना पंजाब से हैं और उन्होंने रूबीना जो कि हिमाचल से हैं उनसे 21 जून 2018 को शादी की थी। अभिनव शुक्ला के पिता डॉक्टर के शुक्ला लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में एक एंटमोलॉजिस्ट के रूप में काम करते थे और उनकी माँ श्रीमती राधा शुक्ला गुरु नानक पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक हैं। अभिनव की पढ़ाई के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुरु नानक पब्लिक स्कूल लुधियाना से पूरी की और 2004 में लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अपनी बैचलर्स पूरी की। अभिनव पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छे थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली द्वारा आयोजित टास्क 2004 तकनीकी त्यौहार में भाग लिया और उनकी टीम ने सर्वश्रेष्ठ डिजाइन अवार्ड भी अपने नाम किया था। अभिनव के कैरियर की शुरुआत वर्ष 2008 में टीवी शो जाने क्या बात हुई से हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई अन्य टीवी शोज में काम किया जिसमें छोटी बहू, जर्सी नंबर 10, गीत 1000ों में मेरी बहना है, हिटलर दीदी, बदलते रिश्तों की दास्तां, दिया और भारती, हम सिलसिले बदलते रिश्ते का आदि टीवी शोज शामिल हैं। टीवी की दुनिया में अपनी किस्मत चमकाने के बाद अभिनव ने फिल्मी दुनिया में फिल्म जय हो से डेब्यू किया। अभिनव के सोशल मीडिया में कम एक्टिव होने के कारण उनके फॉलोअर काफ़ी कम हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है और उनके फैंस ये चाहते हैं कि वह सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहें ताकि लोग उनके बारे में और जान सकें। बाकी बिग बॉस के जरिए तो लोगों को अभिनव को जानने का सुनहरा मौका मिल ही रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।